हेलो प्यारे बच्चों, तो भाई कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे, है ना? तो भाई एक बार तो जल्दी से बता दो, कैसे हो? मस्त हो? स्वस्थ हो? कोई दिक्कत जिंदगी में? आई होप नहीं है, है ना? तो भाई हम फिर आ गए हैं हमारी कक्षा 8 की विज्ञान। तो भाई ये है हमारा क्वेश्चन मैराथन। मैम इसका क्या मतलब है? तो देखो बेटा, चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 10 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनकी संभावना बहुत ज्यादा है, जिनके एग्जाम में आने की संभावना 95% से ज्यादा है। हम उन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं बेटा? पढ़ रहे हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए। तो भाई मैम मेंटी क्विज नहीं हुई हमारी अभी तक, मेंटी क्विज नहीं हुई, कोई बात नहीं, 1 से 5 की नहीं हुई, 6 से 10 के क्वेश्चन कर लो, देन मेंटी क्विज भी होगी मेरे बच्चे। तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेंटी क्विज करवाऊंगी। अब एक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 की होने वाली, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब दहन होता है? जल्दी से बताओ बेटा, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब दहन होता है? चलिए तो भाई पहला कि भाई हमें कोई ना कोई ईंधन चाहिए, जलने वाला चाहिए, कोई ना कोई चाहिए जलने वाला। जलने वाला ही नहीं होगा तो जलाओगे किसको? तो दहन के लिए सबसे पहली चीज है ईंधन की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज है ईंधन की आवश्यकता। दूसरी चीज क्या है भाई? पदार्थ का जो ज्वलन ताप है, ज्वलन ताप क्या होता है? वह निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलता है। तो जो हमने दिया है ताप, वो ज्वलन ताप से ज्यादा हो, है ना? दिया गया ताप ज्वलन ताप से अधिक हो। दिया गया जो ताप है वो ज्वलन ताप से अधिक हो, ये परिस्थितियां अगर होंगी, है ना? तीसरी बात, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति। भाई जलने के लिए ऑक्सीजन गैस सहायक है, अगर ऑक्सीजन गैस ही नहीं होगा तो भाई आपका दहन जलना जलाना ही नहीं होगा। तो तीसरी चीज है भाई ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए अगर हमें कराना है दहन। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मैं साइड में हट जा रही हूँ, कंटेंट छिप रहा है मेरे पीछे। जल्दी से एक बार आप जवाब दो, फिर मैं जवाब दे रही हूँ। फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। जल्दी बेटे, चलिए देखते हैं। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण होता है। वायु का प्रदूषण होता है भाई, लकड़ी और कोयला जलेगा तो वायु का प्रदूषण होगा। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन केरोसिन मिट्टी का तेल है। चलिए, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म किया जाता है, ठीक है? चलिए, तेल द्वारा उत्पन्न आग को कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह पूछा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो जल के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जिसके चारों सही है ठोको थम्स अप। यस मैम, चारों सही है। क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। यूट्यूब पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब के बिना ना जाएं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है? चलिए बताइए।
जल्दी से बताइए। मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है? तो बेटा, सीएनजी के जलने से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, सीएनजी के जलने से कम हानिकारक गैसें निकलती हैं। सीएनजी के जलने से कम हानिकारक गैसें निकलती हैं, है ना? सीएनजी के जलने से कम हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे वायु का प्रदूषण कम होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है। भाई, एलपीजी और लकड़ी की तुलना करनी है, लड़की की तुलना नहीं करनी बेटा, जल्दी से बताओ फटाफट। चलिए, तो भाई एलपीजी जो है वो अधिक उष्मीय मान देता है, एलपीजी अधिक उष्मीय मान देता है, लेकिन लकड़ी जो है वो कम उष्मीय मान देती है। अब मैम, ये उष्मीय मान क्या है, कौन बताएगा मुझे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ उष्मीय मान क्या है। बताओ 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 भाई, ये उष्मीय मान क्या है? लकड़ी कम उष्मीय मान देती है, एलपीजी अधिक उष्मीय मान देती है, तो उष्मीय मान का क्या मतलब? तो बेटा, जब हम किसी भी ईंधन को, है ना, जब भी हम किसी ईंधन को, किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, तो उससे कुछ एनर्जी मिलती है। तो अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो कम एनर्जी मिलेगी, तो आपका काम कम होगा, लेकिन सिमिलरली उतनी ही एलपीजी को जलाओगे तो आपको अधिक एनर्जी मिलेगी, तो आपका काम जो होगा वो फास्ट होगा, है ना, सस्ता होगा। इसीलिए लकड़ी की जगह एलपीजी का उपयोग आजकल बढ़ गया है। चलो, साथ ही साथ एलपीजी से कम प्रदूषण होता है, लेकिन लकड़ी से अधिक प्रदूषण होता है। मेरे साथ साथ लिखते चलो बेटा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में हाथ कम दुखेंगे। चलो नेक्स्ट, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। चलिए बताइए, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? बेटा, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे, और इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका आंसर यार मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखती हूँ भाई तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम मुझे आंसर दे पाते हो नहीं दे पाते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मरुस्थलीकरण कैसे होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मरुस्थलीकरण कैसे होता है, जल्दी से बताओ। चलिए, तो भाई क्या होता है, ये मेरी जमीन है, इस जमीन पर मैंने प्यारा सा क्यूट सा पौधा लगाया है, ठीक है, ये जमीन है, इस जमीन पे मैंने प्यारा सा पौधा लगाया। अब मैंने क्या किया, मैंने वनोन्मूलन किया, यानी वन को काटा। वनोन्मूलन का मतलब वनों की या पौधों की कटाई की। तो बेटा, जैसे ही मैंने पौधों की कटाई की, तो देखो बेटा, पौधे क्या करते हैं ना, पौधे जो है, पौधे की जो जड़ें हैं वो यहाँ पे जो मिट्टी है उसको बांधे रखती हैं। अब मैंने क्योंकि पौधा हटा दिया, तो मिट्टी की जो पकड़ क्षमता थी जमीन पे वो कम हो गई। क्या हुई? मिट्टी की पकड़ क्या हुई बेटा? कम हुई। मिट्टी की पकड़ कम हुई।
अब इससे क्या होने लगा बेटा? मिट्टी का कटाव होने लगा। भाई पहले तो ये पेड़ ने इस मिट्टी को बांधे रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमने पेड़ काट दिए। पेड़ काट दिए तो भाई बहुत तेज हवा आई, मिट्टी को उड़ा के ले गई। बहुत तेज पानी या बारिश हुई, मिट्टी को उड़ा के ले गया। तो इससे बेटा मिट्टी का जो कटाव है वो बढ़ गया। तो मिट्टी का कटाव बढ़ गया। अब मिट्टी का कटाव बढ़ गया, मिट्टी अगर जमीन पे अच्छी नहीं है तो भाई जो पोषक है उनकी कमी हुई, पोषक की कमी हुई। पोषक की कमी होने से क्या हुआ? भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी हुई। भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी हुई। अब भूमि उतना उत्पादन नहीं कर पा रही, उसकी उत्पादन क्षमता में भी कमी हो गई। और क्योंकि भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी हुई तो क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चा, धीरे धीरे वो भूमि कम उपजाऊ हो गई, धीरे धीरे वो कम फसल पैदा करने लगी, और समय के साथ ये धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई। और इसी को कहा गया मरुस्थलीकरण। यानी मरुस्थलीकरण का जो सबसे पहला प्राइमरी रीजन है, वो प्राइमरी रीजन है वनोन्मूलन, वनों की कटाई। तो भाई याद रखना, मरुस्थलीकरण कैसे होता है? सबसे पहले हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जिसे हमने कहा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन से मिट्टी की पकड़ जो जमीन पे थी वो कम हुई, मिट्टी का कटाव, या इसी को मिट्टी का अपरदन भी कहते हैं, वो बढ़ गया। मिट्टी का अपरदन बढ़ने से पोषक की कमी हुई, और धीरे धीरे जब पोषक की कमी हुई तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आती गई, और इसी को कहा गया भाई मरुस्थलीकरण। क्लियर? जिस जिसको क्लियर है यार एक बार थम्स अप दिखा दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, क्योंकि अगर आपको मजा नहीं आता तो मुझे मजा नहीं आता। नींद निकाल रहे हो आप लोग? नींद निकाल रहा है कोई? नहीं निकाल रहे हो ना, पक्का? चलो बढ़ते हैं आगे। प्रवास की आवश्यकता क्यों होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैं आपके आंसर्स का बेटा वेट करती हूँ, मैं आपके आंसर्स चेक करती हूँ। तो भाई जल्दी से बताओ प्रवास की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो बेटा, प्रवास का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो होता क्या है, जैसे हमको पता है साइबेरियन सारस, साइबेरिया में पाए जाने वाले सारस, साइबेरियन सारस, वो इंडिया आते हैं, भारत आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहां की जलवायु बहुत ठंडी है, सर्दी के दिनों में और ज्यादा ठंड लगती है, तो उस ठंड में वो कॉप अप नहीं कर पाते, नहीं रह पाते, तो गर्मी, थोड़े से गर्म स्थान पर आते हैं, भारत आते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवास की आवश्यकता होती है। किसके कारण मेरे बच्चे? जलवायु, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवास की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवास की आवश्यकता होती है। क्लियर बेटे? बढ़े आगे। चलिए भाई, कौन सा कथन सत्य है असत्य, ये बताना। मेरे पीछे कंटेंट छुप रहा है, मैं साइड में हट रही हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में वेट कर रही हूं बेटा। चलिए देखा जाए, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, इसीलिए तो इसको एक कोशिक कहते हैं। बिल्कुल ट्रू है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है? नहीं बेटा। किसी जीव की मूल संरचना अंग है? नहीं, मूल संरचना तो कोशिका होती है। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है? बिल्कुल सही है, अमीबा अपनी आकृति बदलता रहता है, है ना। चलिए, किसी के हैं चारों पार्ट सही? जिसके चारों पार्ट सही है यार थम्स अप तो बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। सबसे पहला है कोशिका द्रव्य, जल्दी से बताओ। कोशिका द्रव्य क्या है भाई? कोशिका द्रव्य, चलिए,
तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। भाई ये कोशिका का वह भाग है जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका का वह भाग जिसमें कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रिक्तिका इत्यादि पाए जाते हैं। है ना? तो भाई कोशिका का वह भाग जिसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रिक्तिका ये पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। अब चलो दूसरा भाग है केंद्रक। तो भाई कोशिका के केंद्र में उपस्थित गोल संरचना केंद्रक कहलाती है ना। कोशिका के केंद्र में उपस्थित गोल संरचना ये होती है केंद्रक की। भाई जो कोशिका के केंद्र में उपस्थित है, बीच में उपस्थित है गोल संरचना, जो केंद्रक झिल्ली के द्वारा क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। केंद्रक कहते हैं केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो उसमें जिसके ऊपर जीन रहते हैं जो आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। चलिए कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, अभी जस्ट बताया है मैंने, और उनके कार्य लिखने जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वेरी गुड भाई, क्रोमोसोम या गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ? गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो गुणसूत्र होते हैं वो बेसिकली है क्या, केंद्रक में पाई जाने वाली धागे जैसी संरचना। क्या होता है भाई? आपके केंद्रक में जो धागे जैसी संरचना पाई जाती है, उसे कहा जाता है गुणसूत्र। ठीक है, केंद्रक में पाई जाने वाली धागे जैसी संरचना। अब गुणसूत्र का काम क्या है? तो ये जो गुणसूत्र होते हैं वो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। वाहक मतलब ले जाने वाला। आनुवांशिक गुण का मतलब वो गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी के, अगर मम्मी या पापा में से किसी के बाल कर्ली या घुंघराले हैं तो उसके बाल भी कर्ली या घुंघराले होते हैं। किसी के पापा या मम्मी की हाइट कम है तो उस इंसान की भी हाइट कम होती है। किसी के पापा मम्मी की हाइट ज्यादा है तो उसकी हाइट भी ज्यादा होती है। किसी के पापा या मम्मी की आंखों का कलर ब्राउन या क्या है, ब्लू है, तो उसका भी वैसा ही होता है। तो मम्मी पापा से गुण जो हम में आते हैं वो गुण हमारे अंदर लाने का काम कौन करते हैं? ये गुणसूत्र करते हैं। इसलिए कहा जाता है आनुवांशिक गुणों के वाहक। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। भाई समझाओ जल्दी से। सजीवों के द्वारा जनन इसलिए जरूरी है या आवश्यक है ताकि अपने समान संतति उत्पन्न कर सके, वंश वृद्धि कर सके, है ना, और उस प्रजाति की निरंतरता बनती रहे। अगर इंसान ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया तो क्या होगा? एक समय बाद इस पृथ्वी पर इंसान ही नहीं रहेंगे। सिर्फ कहानी हो जाएगी कि पृथ्वी पर इंसान थे, जैसे डायनासोर थे, हम सुनते हैं सिर्फ, है ना, हमने देखे नहीं।
तो बस यही कहानी हो जाएगी। इसीलिए प्रजाति की या मानव प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अब मानव भी थोड़ी ना, गाय भी तो बच्चे पैदा करती है, मुर्गी के भी तो चूजे होते हैं, तो इसीलिए उस प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी जनन आवश्यक है। तो भाई पहला, अपने समान संतति उत्पन्न करने के लिए दूसरा, भाई दूसरा क्या रीजन है, दूसरा रीजन है प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, और तीसरी बात क्या है, तो भाई तीसरी बात है भाई वंश वृद्धि के लिए। इन सब कारणों से सजीवों के लिए जनन करना आवश्यक हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। भाई निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पढ़ा है हमने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। तो भाई नर युग्मक और मादा के युग्मकों का मिलना, ये कहलाता है निषेचन। और मनुष्य में जो निषेचन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, वो मादा के शरीर के अंदर होता है। तो लिखो इस बात को, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन का मतलब मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। मनुष्य में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। क्लियर है बेटे, बढ़े आगे। नेक्स्ट, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है, हमें ये बताना है कि भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर कहीं और होता है। जैसे मेंढक क्या करते हैं, मेंढक अपने अंडे किसी पोखर में तालाब में दे देते हैं, फिर नर मेंढक आता है, वो अपने अंडे उसके ऊपर दे देता है, अपने शुक्राणु उसके ऊपर दे देता है, और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता, मानव में जो फर्टिलाइजेशन है, मानव में जो निषेचन है, वो मादा के शरीर के अंदर होता है ना, और वो निषेचन कहलाता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, चलिए तो लिखिए इस बात को, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के बाहर, जबकि बाह्य निषेचन मादा के, एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने भाई, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर, जबकि बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, चलो ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए, बताओ भाई, बताओ। पहले तो ये बताओ ऋतुस्राव होता किसमें, लड़कियों में के लड़कों में, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, ऋतुस्राव मादा के शरीर में होने वाला रक्तस्राव है, जो हर 28 या हर 21-28 दिन के अंदर मादा के शरीर से होता है। तो भाई लिखो इस बात को, ऋतुस्राव मादा के शरीर से, ऋतुस्राव मादा के शरीर से 21 से 28 दिन में
होने वाला एक रक्तस्राव है, खून निकलता है बेसिकली बेटा इसमें, है ना। तो भाई क्या होता है रक्तस्राव में बताओ भाई, हर 21 से 28 दिन के अंदर या हर एक महीने में मादा के शरीर में जो अंडाशय है, ओवरी है, उससे एक अंडा निकलता है। जैसा कि आप सभी को पता है मादा के शरीर में दो अंडाशय हैं, इधर भी अंडाशय है इधर भी अंडाशय, तो दोनों में से किसी एक अंडाशय से अंडा निकलता है। तो ऋतुस्राव में सबसे पहले अंडा निकला। अब ये अंडा जो है ना, जैसे मान लो ये आपकी ओवरी है, ये आपका अंडाशय है, इस अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई है। क्या है? फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम अंडवाहिनी भी कहते हैं, और ये जाके खुलती है यूट्रस में। कहाँ पे? यूट्रस में। यूट्रस को क्या कहते हैं भाई? गर्भाशय कहते हैं। तो भाई हर 28 से 30 दिन में क्या होता है दोनों में से किसी भी एक अंडाशय में? मैम फिक्स है क्या? नहीं, एक बार इससे निकला तो एक बार इससे निकलेगा, कोई फिक्स नहीं। दोनों में से किसी भी एक अंडाशय से अंडा निकलता है, ये फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी में वेट करता है कि भाई जो नर है, जो लड़का है, उसके स्पर्म्स यानी उसके शुक्राणु आए और इसके साथ मिले, ताकि क्या हो सके, निषेचन हो सके और धीरे धीरे बच्चे का निर्माण हो सके। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है और इसी दौरान बेटा ये जो आपका गर्भाशय या यूट्रस है, यहाँ पर ऐसे रक्त की दीवार बनती जाती है, या एक दीवार बनती जाती है। ये दीवार क्यों बनती है? ये दीवार सोचती है कि भाई निषेचन हुआ तो छोटा सा क्यूट सा बेबी आएगा, उस बेबी को अच्छे से गद्दे पे रखना है, इसलिए यहाँ पे एक दीवार बनती जाती है। लेकिन निषेचन ना होने की स्थिति में ये अंडा और ये जो यहाँ पे क्या बनी है, एक अस्तर बना है रक्त का, वो निस्तारित हो जाता है योनि मार्ग के द्वारा। तो बेसिकली लड़कियां जहां से यूरिन पास करती हैं, सूसू करती हैं, पेशाब करती हैं, वहां से उनके रक्त निकलने लगता है। 3-4 दिन निकलता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, अंदर जितना रक्त बना है वो निकलेगा तो बंद हो जाएगा। तो ये है आपका ऋतुस्राव। आई होप क्लियर है। चलिए, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई, यौवनारंभ के समय, अगर आपका यौवन आरंभ हो गया, किशोरावस्था स्टार्ट हो गई, तो भाई बताओ क्या होगा। चलिए, तो भाई सबसे पहला तो आपके लंबाई में परिवर्तन होता है। और क्या होता है भाई? स्वर यंत्र में परिवर्तन होता है, है ना। आप अचानक से लंबे होने लगते हो, आपकी आवाज धीरे धीरे, लड़कों की आवाज मोटी होने लगती है, लड़कियों की आवाज पतली होने लगती है, तो स्वर यंत्र में परिवर्तन होता है। और क्या होता है भाई बताओ? लंबाई में परिवर्तन हो गया, स्वर यंत्र में परिवर्तन हो गया, और क्या होता है बताओ? बताओ 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 जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। वेरी गुड। तो भाई लंबाई में परिवर्तन, स्वर यंत्र में परिवर्तन, साथ ही साथ तेल एवं स्वेद ग्रंथियों का विकास होता है। भाई धीरे धीरे लड़कों के किल मुहासे आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपकी जो ये स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाती है। अब आपको तेल ज्यादा निकलता है, पसीना ज्यादा निकलता है। और क्या होता है? जनन अंगों का विकास होता है। और क्या होता है? जनन अंगों का विकास होता है। जिस दिन जन्मे थे उसी दिन तुम्हारे जनन अंग विकसित नहीं हो गए थे, जिस दिन जन्मे थे उसी दिन तुम में क्षमता नहीं थी कि तुम आगे चलकर एक पीढ़ी को जन्म दे सको, बच्चे पैदा कर सको। लेकिन तुम्हारे लाइफ की एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर तुम्हारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और तुम्हारे ये जो भी आपके बॉडी में जो भी आपके जनन अंग है वो विकसित होने लगते हैं। उसके बाद आप मदर या फादर बनने की क्षमता रखते हैं। तो भाई जनन अंगों का विकास भी आपकी यौवनारंभ में होता है। तो बेसिकली मेन ये चेंजेस होते हैं। क्लियर है? तो यार एक बार थम्स अप तो बनता है। चलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए, एडम्स एप्पल
क्या होता है ये? तो भाई ये जो एडम्स एप्पल, ये कोई कश्मीर में पाई जाने वाली एप्पल की, कश्मीर में पाई जाने वाली किसी एप्पल की प्रजाति नहीं है। एप्पल के फोन का कोई नया वेरिएंट नहीं निकला है कि आईफोन 13, आईफोन 14 या 15 निकल गया। एडम्स एप्पल हमारे इस स्वर यंत्र या कंठामणि का अन्य नाम है। यह स्वर यंत्र या कंठामणि का अन्य नाम है। चलो दूसरा है बेटा गौण लैंगिक लक्षण, बताओ क्या होता है गौण लैंगिक लक्षण, क्या है भाई ये लक्षण? तो बेटा जब हमारा हुआ यौवन आरंभ, जब हम धीरे धीरे किशोर हुए, हम जवान होने लगे, तो हमारी बॉडी में होने लगे हार्मोनल चेंजेस, लड़कों के आने लगी मुछे, लड़कियों का जो स्तन है, ब्रेस्ट है, उसका विकास होने लगा, लड़कियों के कमर के नीचे की जो हीप है वो चौड़े होने लगे, है ना, कमर के नीचे का भाग चौड़ा होने लगा। तो वो गुण जो यौवनारंभ के समय आए हैं, जिससे लड़के और लड़की एक दूसरे की पहचान कर सकते हैं, अरे ये तो लड़का है देखो इसके तो मुछे आ रही है, अरे ये तो लड़की है देखो इसके जो ब्रेस्ट है या स्तन है वो उभरे हुए हैं, है ना। बेटा हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें शर्माना तो है ही नहीं और फालतू सोचना भी नहीं, जो साइंस है हमें पढ़ना पड़ेगा तो हम पढ़ेंगे। तो ये जो लक्षण जो एक दूसरे से लड़के लड़की की पहचान करवाते हैं वो कहलाते हैं गौण लैंगिक लक्षण। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए गर्भस्थ शिशु में लिंग का निर्धारण, तो भाई बताओ लिंग का निर्धारण मानव में कैसे होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। चलिए तो भाई ये है नर यानी आदमी, ये है मादा यानी लड़की, इनमें पाए जाते हैं लिंग गुणसूत्र। जैसा कि आपको पता है कि मानव में टोटल 46 क्रोमोसोम यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना, उसमें से एक जोड़ी या दो गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो नर में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक होता है एक्स दूसरा होता है वाई, मादा में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं दोनों समान होते हैं। चलो अगर नर का एक्स मादा के एक्स से मिला तो बना एक्स एक्स, और एक्स एक्स मतलब मादा यानी पैदा हुई लड़की। यदि आपके नर का वाई मादा के एक्स से मिला, मादा के पास तो एक्स ही, मादा तो बोल रही भाई तुम कुछ भी हो मैं तो एक्स ही दूंगी, है ना, मैं तो एक्स ही दूंगी, तुम्हें जो देना है दो। तो भाई अगर नर का वाई मादा के एक्स से मिला तो बना एक्स वाई, और एक्स वाई मतलब लड़का। इसीलिए कहते हैं कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी औरत पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, आदमी पर भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? आदमी को थोड़ी ना पता है कि भाई ये मेरा एक्स लिंग गुणसूत्र है, ये मेरा वाई लिंग गुणसूत्र है, ये तो बॉडी के अंदर है, हमें नहीं पता। तो भाई लड़का होगा या लड़की होगी इसमें ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता, ये टोटली डिपेंड करता है कौन सा क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम से मिला है, ये इंटरनल है, ये भगवान के हाथ में है। इसलिए कभी भी लड़के पैदा हों लड़कों के चक्कर में औरतों को परेशान नहीं करना चाहिए। हम स्टडी कर रहे हैं, हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो हमें अपने आसपास के लोगों को भी ये बात बतानी है कि लड़का होगा लड़की होगी इसमें हम मानवों का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि बहुत सारे प्रोसेस आ गए, लेकिन ये जो चीज है इसमें मानव का हाथ नहीं होता। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो टोटल 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इसकी मेंटी क्विज जरूर लूंगी, जब भी लूंगी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, परेशान नहीं होना। क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। क्लास को विराम दे रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।